हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी के कारक। इस संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो चमक दिखाई देती है उसके कारक, लग्जरियस लाइफ जिसको बोलते हैं ना, विलासितापूर्ण जीवन, उसके जो कारक है शुक्रदेव। कलिकाल में तो इनकी महिमा ही अपरंपार है, इनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे भी यश टका ना अस्ति सह टकटकायते, सीधा सा आप मान के चलिए। तो पैसा पहले भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है, कल भी महत्वपूर्ण रहेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन अर्थ धर्म काम मोक्ष आप कह लीजिए। तो शुक्रदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन और जा रहे हैं अपने ही राशि में, अपने घर में वापस आ रहे हैं। अपने घर में सूर्यदेव का, शुक्रदेव का गोचर, यहाँ पे सूर्यदेव भी 15 जून तक वृषभ में ही चलेंगे। तो क्या फल देगा शुक्र का जो गोचरी स्थिति है, आपके लगन से लेके आपके राशि से लेके क्या प्रभाव मिलेगा? तो मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत तक शुक्रदेव क्या, कहाँ, कैसे आपको कितना फल प्रदान कर रहे हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें। हम ज्योतिष को सपोर्ट कर रहे हैं, ज्योतिष में हम बात नक्षत्रों तक की कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारी जो वार्ता होगी वो शुक्र के गोचरी स्थित पे, सिर्फ राशि पे नहीं होगी। हम कृतिका पे बात करेंगे, रोहिणी पे बात करेंगे और मृषरा, तीन नक्षत्रों में गोचर होगा शुक्र का। सूर्य का नक्षत्र है कृतिका, और फिर चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी, और मंगल का नक्षत्र है मृषरा। तो तीनों में अलग अलग प्रभाव शुक्र के मिलेंगे। एक माह के लिए लगभग गोचर हो रहा है शुक्रदेव का, तो एक माह की गोचरी स्थिति में आपको क्या क्या शुक्रदेव कहां से कैसे देकर जाएंगे, इसी बात की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें चर्चा मेष लगन, मेष राशि। एक कंफ्यूजन है, ज्यादा तो लोग राशि की बात करते हैं, लेकिन मैं लग्न की बात करता हूं। लग्न को प्रधानता दीजिए, जो बड़े ग्रहों की गोचरी स्थिति है उसको लग्न पे प्रधानता दीजिए। आप चंद्रमा की राशि से अगर आप प्रतिदिन का प्रेडिक्शन चाहते हैं तो उसको आप राशि से देखिए, लेकिन ग्रहों की गोचरी स्थिति को, खासकर जो बड़े ग्रह हैं जिनका गोचर एक महीने के लिए, 42 दिन के लिए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए होता है, उनको आप लग्न से ही देखें। लग्न से उनकी स्थिति ज्यादा क्लियर आपको दिखाई देगी। तो शुक्र महाराज का गोचर हो रहा है 18 जून से लेके पूरा 18 जुलाई तक का जो गोचरी स्थिति बन रही है वो वृषभ में करेंगे गोचर। मेष लगन मेष राशि, मेष लगन मेष राशि में आपके शुक्रदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब व्यापार का स्वामी धन भाव में। तो कोई संदेह नहीं है कि इस महीने आपका बैंक बैलेंस ना बढ़े, बैंक बैलेंस बढ़ेगा जी, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुटुंब का सुख हर तरह से आपका मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ व्यापारेश हैं और द्वितीयेश हैं। तो वाणी के माध्यम से व्यापार में प्रगति या जीवन साथी के माध्यम से धनार्जन, जीवन साथी के माध्यम से धनार्जन, आपकी वाणी अच्छी होगी उस वजह से आप पैसे कमाओगे और पैसे बैंक में भी रखोगे। व्यापार आपके अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मित्र बंधु बांधवों से संबंध बेहतर रखें। देखिए यहाँ पे सूर्यदेव की उपस्थिति है, तो सूर्य के आप पंचमेश हैं, तो धन भाव में सूर्य शुक्र की युति थोड़ा सा संभल के रखिएगा, पैसे आपको प्रेम में ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं, ये स्थिति बन रही है। तो मेष लगन मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र की गोचरी स्थिति है बेहतर बन रही है, एक महीने दबा के कमाइए पैसा। और मजे की बात यह है कि आपके यहाँ पे अभी मंगल महाराज आपके लगन में आ जाएंगे तो और आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाले होंगे। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए बिल्कुल बल्ले बल्ले है, राजयोग कारक है, लग्न का स्वामी लग्न में गोचर कर रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है जी, और क्या चाहिए आपको? प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में है, प्रधानमंत्री अपने घर में है, तो आपको और इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो यहाँ पे हर तरह से आपको मान सम्मान मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और आप स्वस्थ रहेंगे। अभी तक आपको स्वास्थ्य लाभ थोड़ा कम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आप स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक स्वस्थता आपके विकास में गति पैदा करने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, क्योंकि खस्टेस भी है तो ज्यादा आलसी हो जाना आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जीवन साथी का प्रेम मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, व्यापार प्रगति चल रहा है, इसमें शत्रुओं से भी लाभ उठा सकते हैं। कोई मुकदमाबाजी चल रही है तो ये बढ़िया समय है मुकदमाबाजी को निपटाने का, शत्रु को शत्रुता से दूर करने का।
तो बेहतरीन अवसर है, आप लाभ लीजिए। शुक्र महाराज एक माह बिल्कुल रोमांटिक वातावरण आपको क्रिएट करके देंगे। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में शुक्रदेव अभी लाभ भाव में चल रहे थे तो अच्छा था, पंचम से सप्तम थे, संतान का पूर्ण सुख मिल रहा था, विदेश से भी आपको पैसे देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे शुक्रदेव का गोचर क्योंकि विदेश के घर में हो रहा है, तो अगर आप एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक यात्रा आपको दिखाई दे रही है। एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, प्रेमी से मिलने के लिए आप विदेश जा सकते हैं, या आप कमाने के लिए विदेश जा सकते हैं, तो विदेश जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण ये कि आपके लग्नेश भी यहीं पे है, तो विदेश गमन बहुत इजीली बन रहा है, तो अगर विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो करके आए, प्रेम मिलेगा, हर तरह से लाभ होगा। अब सूर्य के नक्षत्र यहाँ पे गोचर करेंगे कृतिका में, कृतिका यहाँ पे आपके कुंडली में पराक्रम के स्वामी है, तो विदेश में जाके आप पराक्रम दिखाएंगे। रोहिणी में गोचर करेंगे तो रोहिणी आपकी कुंडली में द्वितीय है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला समय होगा जब रोहिणी में गोचर करेंगे शुक्रदेव, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव ले लेंगे, चंद्रमा हल्के क्वालिटी के आपके मार्केस हैं। वहीं फिर मृगिश्रा में जाएंगे तो मृगिश्रा में भी बहुत ध्यान देना है, यात्रा करते समय बहुत ध्यान रखें, लग्जरियस गाड़ी चला रहे हैं तो लिमिट में रखें भाई, जितनी भी गाड़ी है उसका 50% देख लीजिए, उससे ऊपर गए नहीं कि आप परिवार से दूर जाना शुरू करते हैं। ठीक, तो गति ठीक है लेकिन एक्स्ट्रा गति आपको परिवार से दूर कर सकती है, लेकिन फिर भी समय आपके लिए बेहतर चल रहा है। मान सम्मान मिले या ना मिले लेकिन मनोरंजन के साधन आपको जरूर मिलेंगे। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए बेहतरीन अवसर है। सुख भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी आय के घर में गोचर कर रहा है, इससे अच्छा क्या योग हो सकता है। घर के जो जरूरतमंद चीजें थी, जरूरी सामान थे, उनको आप परचेज कर रहे हैं। लाभ आपको हो रहा है, किससे हो रहा है, सरकार से लाभ हो रहा है, पिता से लाभ हो रहा है, बड़े भाइयों से लाभ हो रहा है, जीवन साथी भी आपका सपोर्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए यह जो गोचरी स्थिति है बेहतरीन है। अब शुक्रदेव जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे कृतिका नक्षत्र से, ठीक, कृतिका से स्टार्ट करेंगे तो कृतिका के 2-3-4 चरण में जाएंगे, यहाँ पे सूर्य का प्रभाव लेके शुक्र धन ज्यादा देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि धन के घर में गोचर कर रहे हैं, लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं और धनेश के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो धन की मात्रा प्रदान करेंगे। वहीं इसके बाद वो चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो लग्नेश हैं, राजा के नक्षत्र में है, राजा के घर में है, तो राजा को गिफ्ट देना पड़ेगा ना, राजा को गिफ्ट तो बनता ही है, तो राजा जैसा चाहेगा उससे उसको बड़ा से एक गिफ्ट दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे गिफ्ट मिल सकता है। उसके बाद मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, मंगल क्या है, पंचमेश हैं और कर्मेश हैं, अतः प्रेम मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा और कर्म में गति आ जाएगी। अश्व जैसे आप भागना शुरू करेंगे तो यहाँ पे शुक्रदेव हर तरह से लाभ दे रहे हैं। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सॉरी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान का प्रेम और जिन्हें आप प्रेम करते हैं उनका भी प्रेम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए शुक्र अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं। देखिए जब कोई भी ग्रह अपने घर में गोचर करता है ना तो अच्छा लाभ देता है, इसलिए मैक्सिमम राशि को लिए अच्छा मिलेगा, लेकिन किसके लिए क्या मिलेगा इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं तो कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में गोचर कर रहा है, एक बेहतरीन स्थिति है आपके लिए। लग्नेश भी यही गोचर कर रहे हैं, तो अगर कोई इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं, कोई आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो यहाँ पे आपको उसमें लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका रिजल्ट अगर आने वाला है तो रिजल्ट महाराज आपके फेवर में आ रहा है, मिठाई खरीदने का प्रबंध कर लीजिए, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे अपडेट कर दीजिए कि मिठाई खिला रहा हूँ उस डेट को, आपको नौकरी मिल रही है। और कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में भी आपको सफलता मिल रही है, क्योंकि लग्न के स्वामी और कर्म के स्वामी दोनों की युति यहाँ बन रही है, तो कोई संदेह नहीं है कि आपको नौकरी ना मिलती हुई दिखाई दे, नौकरी ना मिले। अब हाँ सॉरी, लग्नेश आपके चले गए हैं एकादश भाव में, लाभ के घर में, लाभ के घर में, और दशमेश यहाँ पे हैं, तो लेकिन लाभेश क्या है, लाभेश यहाँ पे हैं, लाभेश और कर्मेश दोनों साथ चल रहे हैं, इसलिए हर तरह से आपको सफलता मिलने का समय, सफलता मिलेगी। शुक्र महाराज की सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर होने से, भूमि भवन वाहन माता के घर पे होने से माता का सुख, सुख का सुख आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो शुक्र का, शुक्र को मजबूत करिए महाराज और लाभ लीजिए। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र की गोचरी स्थिति है बेहतरीन है, तो भाग्योदय का आपका समय है, बिल्कुल भाग्य आपका सपोर्ट करना चाहता है। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए और लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।
सोते हुए शेर के मुख में कभी मृग प्रवेश नहीं करता महाराज, उठिए, उठना पड़ेगा। क्यों उठना पड़ेगा? क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है और चाबी जो है ना, भाग्य की चाबी वहीं पे लगी हुई है। तो जितना मेहनत करोगे उतना लाभ पाओगे, गुरु आपके लाभ देने के लिए कृत संकल्प है, अतः मेहनत करिए, बेहतरीन समय है। एक माह में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पे आप नौकरी पे से मिल जा रहे हैं, भाग्य की जरूरत पड़ेगी, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। धार्मिक यात्रा करिए, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। बड़े लोगों के शरण में रहिए, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। बड़े लोगों के सलाह मानिए, धन आपको व्यापक मात्रा में मिलेगा। थोक भाव में धन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धनेश है भाग्यश है। और ऐसे लग्न के साथ, लग्न के स्वामी के साथ रन कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर साथ साथ बैठे हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं आप। शुक्र को मजबूत करिए और राधे राधे करिए। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो समय है, देखिए आयु के लिए तो बहुत अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है, और आपको ये धन भी देगा, क्योंकि धन भाव पे शुक्र की सप्तम दृष्टि है, तो धनात्मक दृष्टिकोण से भी देखें तो बेहतरीन है। लेकिन परेशानी क्या हो रही है? परेशानी हो रही है आपको भाग्य की, यहाँ पे कमी झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप लंबी लंबी यात्रा करेंगे, लेकिन यात्राएं बिल्कुल बेहतर ढंग से हो जाए जरूरी नहीं है। कारण देखिए, सूर्य के कृतिका नक्षत्र में इनका गोचर होगा, लाभेश है, और लाभेश जो है बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो लाभ में किंचित मात्रा की कमी, यात्रा में तकलीफ। उसके बाद ये गोचर करेंगे रोहिणी में, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में अच्छा फल देंगे। लेकिन जैसे मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो मंगल यहाँ दो दो धन भाव का स्वामी है, तो धन तो थोक भाव में देंगे लेकिन दुर्घटनात्मक हो सकते हैं। अतः वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, बहुत आवश्यक है। यद्यपि आपके लग्न के स्वामी हैं और अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे मृगशिरा में, तब आपको विशेष ध्यान रखना है। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतरीन समय है, श्रेष्ठ समय है भाई। आपके व्यापार का स्वामी व्यापार के घर में चल रहा है, क्या चाहिए? विदेश से व्यापार करिए, विदेश से पैसा कमाइए। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, अगर आपने शादी शुदा नहीं है तो शादी कर लीजिए। आपकी शादी टूट चुकी है, नए शादी में जाना चाहते हैं तो नए संबंधों में जाइए ना, बिल्कुल। अगर भाई एक स्टेशन पे गाड़ी खराब हो जाए, तो फिर गाड़ी खराब हो गई, दूसरी गाड़ी पकड़ के आगे निकलिए, उसको बैठ के पकड़ के रोने की जरूरत नहीं, हाय हाय गाड़ी खराब हो गई, ऐसा होता है ना, पंचर हो गई, छोड़िए आगे बढ़िए। तो दाम्पत्य जीवन में कभी कभी होता है कि जीवन साथी ऐसा मिल जाता है कि पंचर कर देता है गाड़ी को, तो उसको आगे छोड़िए और ये वक्त है आगे बढ़ने का। तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतरीन समय है, प्रेम आपको 100% मिलेगा, और नए रिश्ते में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो नए रिश्ते में आप बढ़ सकते हैं। चेहरे पे ग्लो होगा, एक आकर्षण होगा जिससे लोग आकर्षित होंगे। धनु लग्न धनुराशि, धनु लग्न धनुराशि में शुक्रदेव खष्टम के स्वामी है, और खष्टम से खष्टम है, तो भावत भावम सिद्धांत के अनुसार आप दुश्मनों से इस समय लाभ उठा रहे हैं। एक श्लोक आता है कि दुश्मन भार्या के साथ आपरति सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो यही समय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप दुश्मनों को पराजित करते हुए नजर आ रहे हैं, और दुश्मनों से लाभ माने शत्रुता से भी लाभ, दो लोगों के झगड़े में लाभ, तो शुक्र हर तरह से आपको लाभ देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में शुक्रदेव आपके पंचमेश हैं और कर्मेश हैं, पंचम भाव में गोचर, संतान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, एजुकेशन की प्राप्ति, माता के सुख की प्राप्ति, माता के धन की प्राप्ति, पिता का विशेष स्नेह, ये सारी चीज़ें आपको मकर लगन मकर राशि वालों को मिलती हुई प्रतीत हो रही है। नौकरी के क्षेत्र में अगर आपका प्रमोशन का ड्यूरेशन है, तो इस समय आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना, प्रमोशन मिलता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। तो बस यही है कि वो अवधि होनी चाहिए प्रमोशन की, कि इसी ड्यूरेशन में आपका प्रमोशन हो, तो प्रमोशन आपको मिल जाएगा। शुक्र को मजबूत करके रखिए, हर तरह से आपके लिए शुक्र कल्याणकारी है, लाभकारी है। मकर कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में शुक्रदेव आपके सुखेश और भाग्यश है, तो भाग्य और सुख का स्वामी निश्चित रूप से करेगा बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा करेगा। गृह संबंधी सुख देगा, कोई नया प्लाट ले गए, घर के लिए कुछ फर्नीचर या डेकोरेटेड आइटम आपके लेके आ रहे हैं। भाग्य भाव भी आपका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो मूल त्रिकोण राशि का तत्काल फल देने की कोशिश करेगा। तो यदि आप तलाश में है भाग्योदय के, तो श्रेष्ठ समय है भाग्योदय का, तो प्रयास करिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में शुक्रदेव बहुत शुभ फल नहीं देते, लेकिन यहाँ पे शुभ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आयु के स्वामी है और दूसरे आयु के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, तो पराक्रम का स्वामी पराक्रम के घर में, आयु संबंधित पूरा लाभ।
आध्यात्मिक जगत में आपका प्रवेश, विशेष जो खोज करना चाहते हैं ना, विशिष्ट खोजों के लिए यह एक बेहतरीन समय है, तो आप लाभ उठाइए। गुरु भी आपके लग्न में शुक्र ही चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह लाभकारी योग बनाने वाला है। तो शुक्र महाराज सभी लग्नों में बेहतर फल देते हुए नजर आ रहे हैं, सभी लग्नों में वो बेहतर, कहीं पे ज्यादा थोक में अभिनंदन धन देंगे जहाँ पे योग कारक है, जहाँ पे योग कारक नहीं वहां पे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। चलिए शुक्र को अपने कुंडली के अनुसार मजबूत करिए, साथ में देख लीजिए महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, उसके अनुसार काम करिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। परमात्मा आपका सबका मंगल करें। राधे राधे।